दोस्तों, मोरा गैम्बिट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3 विद द चेस जोन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ कंटिन्यूस बैक टू बैक कोई भी एक ओपनिंग की सीरीज। इस बार अभी हमारी सीरीज चल रही है सिसिलियन डिफेंस अगेंस्ट मोरा गैम्बिट। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले जो दो वीडियो मैंने अपलोड किए थे, जिसमें अर्ली E5 और अर्ली नाइट F6 के बारे में बताया था, और अर्ली A6 B5 वेरिएशन भी हमने देखा था। बहुत सारी ट्रैप्स आपको इसमें देखने को मिलेगी वन बाय वन, तो एक भी वीडियो मिस मत करिए। बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज हम देखने वाले हैं मोरा गैम्बिट में क्वीन C7 वेरिएशन, और जिसमें हम एक ऐसा वेरिएशन है जिसका नाम है साइबेरियन अटैक। तो दोनों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं E4 C5 सिसिलियन डिफेंस। सेकंड मूव मोरा गैम्बिट के लिए D4 ऑलवेज, C takes D4 देन C3। अब ब्लैक अगर ये पॉन कैप्चर करता है तो मोरा गैम्बिट एक्सेप्टेड, मतलब ज्यादातर लोग कैप्चर करते हैं। D into C3 देन Knight C3। एक पॉन देने के बाद मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारे पीसेस जल्दी से डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए गैम्बिट लाइन खेल रहे हैं। Knight C3 ब्लैक खेलेगा Knight C6, ऑलवेज Knight C6 के सामने आपको Knight F3 ही रिप्लाई देना है। E6 Bishop C4। अब यहाँ पे दोस्तों Queen C7 ये वेरिएशन एक है Queen C7। इसके बाद ब्लैक को जब हम व्हाइट से कैसलिंग करते हैं Queen C7 अगेंस्ट, तो ब्लैक को A6 खेलना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है ये हम इसी लाइन में देखेंगे, और इसके बाद अगर ब्लैक A6 करके खेलता है तब भी क्या होने वाला है ये दिखाऊंगा आपको। Knight F6 इस लाइन में दोस्तों ब्लैक ने A6 नहीं खेला है, Knight B5 अलाउ किया है। अब आपको कैसा अटैक करना है ध्यान से देखिए। Knight F6 के सामने Knight B5 Queen B8 डायगोनल कंट्रोल करके रखता है ब्लैक क्वीन से। यहां पे आपको पॉन सेक्रीफाइस करना है E5। Knight takes E5 देन Knight takes E5 Queen takes E5 Rook E1 के बाद Queen B8। अब ये C7 कंट्रोल करने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो फिर Queen C5 जाए या फिर Queen B8। Queen C5 अगर जाता है तो यहां आपको Bishop F1 खेलना है, A6 आपको यहां पे पीस मिलेगा, Bishop E3 Queen C6 Knight A7 Queen C7 Rook C1 Queen D8 एंड Queen C2। आफ्टर Queen C2 व्हाइट विल विन अ Bishop 3। ओके, अगर यहाँ पे वापस आते हैं हम, कि अगर Queen B8 जाता है तो क्या पोजीशन होगी। तो इसे देखते हैं E4 C5 D4 C takes D4 C3 D takes C3 Knight takes C3 Knight C6 Knight F3 Queen C7 E6 Bishop C4 then Queen C7। यहां हम कैसल करेंगे Knight F6 Knight B5 Queen B8 then E5 Knight takes pawn, knight takes knight,
क्विंटेक्स नाइट एंड रुक ई1। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है Qb8। Qb8 ये बैड मूव है ब्लैक के लिए। कैसे है, यहाँ हम खेलेंगे Qd4, d6, बिशप f4, e5 और यहाँ पे रुक सेक्रीफाइस। आफ्टर पॉन टेक्स रुक देन बिशप टेक्स e5 और सिंपल आसानी से आपको ब्लैक की क्वीन मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्वीन ट्रैप वाली लाइन थी। अब देखते हैं साइबेरियन अटैक जो प्रॉपर खेलते हैं ब्लैक से। e4 c5 d4 cd4 c3 d takes c3 knight takes c3 nc6 nf3 e6 bishop c4 queen c7 शॉर्ट कैसल। यहाँ पे ब्लैक ने a6 पहले कर लिया है, नाइट को अलाउ नहीं करता। a6 करने से व्हाइट को कोई परेशानी नहीं हो रही दोस्तों। इसमें भी आपको e5 करना है। सॉरी, इसमें पहले आपको क्वीन e2 करना होगा। इसमें पॉन सेक्रीफाइस नहीं है। नाइट f6 देन e5, नाइट g4। अब पॉन पे 1 2 3 अटैक आ गए, हमारे दो सपोर्ट है। यहाँ आपको खेलना है बिशप f6 f4 और उसके बाद f6। यहाँ बहुत ही शानदार मूव नाइट d5। देखो पॉन टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉन टेक्स पॉन और आपको क्वीन मिल रही है डिस्कवर चेक में। तो यहाँ पे क्वीन बी एट ओनली मूव है। इनटू f6 ब्लैक खेलेगा बिशप d6 क्योंकि डिस्कवर भी है, क्वीन पे अटैक भी है। यहाँ आप सिंपल बिशप टेक्स d6, क्वीन टेक्स d6, उसके बाद रुक ad1, फिर अगेन डिस्कवर चेक, वापस Qb8, f×g7, Rg8, h3, काउंटर अटैक b5, Bb3, सिंपल हटा देना है आपको। नाइट Ge5, इसमें नाइट टेक्स नाइट, उसके बाद Qh5 चेक, नाइट g6, नाइट f6 चेक, किंग f7, नाइट क्रॉस g8, किंग क्रॉस g8, बहुत ही बढ़िया एंडिंग है इसमें। क्वीन h6 आफ्टर क्वीन f4, बिशप टेक्स e6 और ब्लैक रिजाइन क्योंकि और कोई मूव नहीं है। आफ्टर d टेक्स e6 देन रुक चेक एंड क्वीन। तो ये थी सिसिलियन डिफेंस की दो लाइनें जो Qc7 वेरिएशन में आती है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरी पुरानी वीडियो में, आप देख सकते हो कि लंदन सिस्टम, हाउ टू प्ले अगेंस्ट लंदन सिस्टम में मैंने एक ट्रिक बताई थी। बहुत ही बढ़िया सी लाइन थी, अटैकिंग लाइन थी, उसकी मैं आज ही एक गेम खेल चुका हूँ ऑनलाइन। तो पूरी गेम हम देखेंगे इसमें। मैं वो आपको गेम दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा इसमें। कितना अटैकिंग और सेक्रीफाइस मूव्स थे, क्लासिकल गेम थी। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगी आपको ये। तो यहाँ पे सबसे पहले वाइट खेल रहा है d4, हमने d5 किया, बिशप f4। ये लाइन, इसके सारे वेरिएशन आपको मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएंगे जो 4-5 वीडियो या 10 वीडियो से पहले मैंने रखा है, अपलोड किया है। c5 इसकी लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगी। e3, knight c6, c3, कॉन्टेक्स्ट पॉन,
आपको लगता होगा ये रिस्क की लाइन है, लेकिन मेरे लिए जरा भी रिस्की नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डिफेंसिव, और आप डिफेंस कर सकते हो आसानी से। F6 खेलना, यानी थोड़ी सी गलत होती है लाइन, बुक में F6 नहीं बोलते, लेकिन मैं सजेशन करूंगा F6 और E5 की थ्रेट। बिशप B5 उसने किया, मेरी नेक्स्ट थ्रेट थी E5, लेकिन वो E5 करने नहीं दे रहा, इसलिए बिशप से नाइट को पिन कर दिया। बिशप F5 सिंपली डिफेंस, और उसके बाद आइडिया है G5, देन अगर क्वीन H5 आता है तो बिशप G6 हो सकता है। इसलिए तो यहाँ पे नाइट F3, G5, बिशप G3, H4। अब H4 की थ्रेट है, नेक्स्ट मूव में बिशप ट्रैप हो रहा है, तो H5। ये H4 थोड़ी वीक है, इसमें H3 ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वाइट के लिए, लेकिन H4, इसमें G4 आ जाता है। तो G4 के बाद नाइट BD, नाइट FD2, बिशप G2, फिर E5 की थ्रेट है। E5 की थ्रेट रोकने के लिए वाइट ने क्वीन E2 किया, नाइट H6, उसके बाद कैसलिंग, क्वीन D7। आइडिया यहाँ पे हम लॉन्ग कैसल कर सकते हैं, लेकिन वाइट ने नाइट B3 करके मुझे परेशान किया था थोड़ा, कि नाइट C5 की थ्रेट है, लेकिन मैंने सिंपल लॉन्ग कैसल का प्लान अवॉइड करके B6 कर दिया। नाइट को मैं अलाउ नहीं करूँगा। यहाँ पे वाइट ने H4, और वाइट का नेक्स्ट प्लानिंग है A5 करके पॉन ब्रेक करके वहाँ पे नाइट A5 सेट करना है। उसे सिंपल लॉन्ग शॉर्ट कैसल कर दिया, और एक पॉन सेक्रीफाइस किया यहाँ पे मैंने, पॉन जो E7 पे है। अब दोस्तों पॉन मारना सेवंथ रैंक का, लेकिन क्वीन से मारना और इस पोजीशन में मारना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। उसने बिशप टेक्स नाइट किया, क्वीन टेक्स बिशप, उसके बाद क्वीन D7। यहाँ पे मैंने सोचा कि क्वीन अंदर तो आ गई है, उसे हम ट्रैप में लेते हैं। ट्रैप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रुक ए वाला E8 पे, और उसने क्वीन टेक्स A7 मार दिया। अब पूरी गेम मेरे हाथ में आ रही है, पूरी गेम। सबसे पहले बिशप D3, तो डार्क जो भी लाइट स्क्वायर क्वीन का बचने का जो मूव है वो हमने स्टॉप कर दिया रुक पे अटैक करके। रुक C1, और यहाँ पे रुक F2। यहाँ पे वाइट ने सेक्रीफाइस किया है नाइट, क्योंकि अब क्वीन के पास कोई जगह ही नहीं है। आप देख सकते हो कि पूरी रैंक में रुक का अटैक है, यहाँ पे बिशप ने कंट्रोल किया है, और यहाँ पे ये पॉन बैठा है, तो क्वीन ट्रैप हो चुकी है। लेकिन ट्रैप से बचने के लिए उसने पीस को वापस देना चाहा, नाइट A5, और उसे लगा कि उसे तीन पॉन मिल रहे हैं ऑलरेडी, वो पहले एक पॉन मार चुका है और ये दूसरा पॉन भी मिलेगा, लेकिन फिर भी क्वीन तो ट्रैप ही होने वाली है। कैसे हो रही है देख सकते, पॉन टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स, और अब क्वीन का जो ओनली होप है यहाँ से भागने का, ये एक्सचेंज करने का, उसे बंद करने के लिए बिशप F8। आफ्टर बिशप F8 व्हाइट ने ट्राई किया है क्वीन को सेव करने का, लेकिन कोई आशा नहीं है रुक A8 के बाद में। यहाँ पे व्हाइट क्वीन टेक्स रुक, क्वीन टेक्स, अब सिंपल ब्लैक बहुत ही प्लस है गेम में, और मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई गेम करना चालू कर दिया, जैसे कि नाइट F5, नाइट B3, नाइट इंटू बिशप, उसके बाद बिशप H6, रुक D1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर रुक D1 आता है यहाँ पे, तो आप यहाँ से सिंपल बिशप C2 करके पीस प्लस होते हो सकते हो। तो रुक D1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए रुक E1 उसने खेला है। हमने रिप्लाई दिया बिशप C2, नाइट C5। अब यहाँ पे बिशप D2 बहुत ही बढ़िया मूव, जानबूझ के दोनों बिशप को एक लाइन में करके रुक से अटैक करने का उसे मौका दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है काउंटर में बिशप टेक्स C3 और रुक भी अटैक में है। यहाँ पे ब्लैक व्हाइट ने रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों ये गेम काफ़ी अच्छी है, हाउ टू प्ले अगेंस्ट लंदन सिस्टम। आप इसी प्रकार बहुत सारी गेम्स इसमें जीत सकते हो लंदन सिस्टम के सामने। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता था कि लंदन सिस्टम के सामने वाइट ब्लैक से हम कैसे रिप्लाई दें, क्योंकि हर एक गेम में वाइट का ही प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो इसी प्रकार ये स्ट्रक्चर बना के आप आसानी से गेम खेल सकते हो, कुछ होने वाला नहीं है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। F6 G5 करके मैंने बहुत सारी गेम खेल ली है, और बहुत सारी गेम्स में मैं सक्सेस भी हो चुका हूँ। कई गेम में पीस मिलता है, कई गेम में क्वीन मिलती है, कई गेम में पॉन प्लस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइट की फेवर में होता ही नहीं है। तो दोस्तों मेरे नए वीडियो के साथ मिलेंगे जल्द ही, और
मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ जो मोरा गैम्बिट के बारे में मेरा लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम नई ओपनिंग की शुरुआत करेंगे। तो मोरा गैम्बिट में एक गेम NGE7 वेरिएशन मैं आपको दिखाऊंगा। NGE7 बहुत ही खतरनाक वेरिएशन है वाइट से, आप देख के खुश हो जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो शेयर भी करो, लाइक भी करो। धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।